वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस की, जो कि बीएससी सेकंड ईयर में होता है। तो कंप्लीटली वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करनी चाहूँ बीए की, तो बीए में अलग अलग बुक होती है, लेकिन बीएससी में क्या है कि जो पीसीएम का एक कंबाइंड बिल्कुल सिलेबस होता है वो इसी प्रकार होता है। ठीक इसी प्रकार होता है बीकॉम का। आने वाले टाइम में मैं बीकॉम का भी बता दूंगा, बट अभी मैं बात करूंगा बीएससी की जो कंबाइंड सिलेबस है, कौन सी बुक है, कितने नंबर का आते हैं, एग्जाम किस तरीके से होते हैं, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही अगर अभी तक चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसे कि आप जानते हो बीएससी पीसीएम की बात करूँ तो तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूँगा। देखो फिजिक्स में तीन बुक होंगी आपकी, और अगर आपका नंबर का डिवाइड बता दूँ तो 200 नंबर का कंप्लीट जोड़ के होता है। वो किस प्रकार से होता है तो मैं आपको बता दूँ, 50-50 नंबर की ऊपर की तीन बुक होंगी और 50 नंबर का ही पूरा प्रैक्टिकल होगा, यानी कंप्लीट जो मार्क्स होंगे आपके वो 200 होंगे। तो अगर इसमें पहले नंबर की बात करूँ तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेसर पहली बुक का नाम ये है, दूसरी होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरी होती है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तीन बुक होती हैं मेरे सेकंड ईयर में, और साथ ही होता है प्रैक्टिकल, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लीटली बात करूँ, पहली बुक, दूसरी, तीसरी, तीन बुक फिजिक्स की होंगी 50-50 नंबर की, और चौथे नंबर का होगा प्रैक्टिकल 50 नंबर का। तो कंप्लीट 200 नंबर की आपका फिजिक्स होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करनी चाहूँगी केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक में कोई चेंज नहीं होता। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो इनऑर्गेनिक ही रहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ही रहती है, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री रहती है। यानी कि अगर मैं बात करनी चाहूँ जैसे उसमें फिजिक्स में आपकी बुक्स का नाम चेंज होगा था, यहाँ पे चेंज नहीं होता, बल्कि इसी में ही अपडेट होता रहे। आपके तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी, तीनों बुक यही चलती है केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों यही होती है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें अपडेटेड आता रहता है, यानी कि जो चैप्टर पहले में थे इनऑर्गेनिक में वो नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड ईयर में बिल्कुल अलग होंगे, वो हटा देते हैं, बट नेम यही रहता है, नेम सेम रहता है, बुक्स का नेम चेंज नहीं होता। आपको तीनों ईयर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकली पढ़नी होती है, बट फर्स्ट ईयर में अलग चैप्टर होते हैं, सेकंड ईयर में अलग चैप्टर होते हैं, और थर्ड ईयर में अलग चैप्टर होते हैं। तो इसी के अगर अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक का पेपर फिर वही 50 नंबर का आता है, ऑर्गेनिक का 50 नंबर का आता है, फिजिकल का 50 नंबर का आता है, और प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का इसी में इन्वॉल्व है। यानी एवरी सब्जेक्ट के 50 नंबर डिवाइड है। यहाँ पे 200 की फिजिक्स होगी और 200 की होगी केमिस्ट्री। अब बात करते हैं मैथ की ओर, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी बुक्स होती है, साथ में उसमें प्रैक्टिकल का तो कोई मैटर नहीं होता, तो बात करते हैं मैथ की। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैथ की बात करना चाहूँ, मैथ में कौन कौन सी बुक्स होती है, तो पहले होती है लीनियर एलजेब्रा एंड मैट्रिक्स, पहली बुक होती है, फर्स्ट बुक। दूसरी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरी होती है मैकेनिक्स। तो तीन बुक होती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का कोई मैटर नहीं होता, अतः 200 नंबर की आपकी फिजिक्स होती है, 200 की केमिस्ट्री होती है, और इसके नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं तो अगर मैं उसकी बात करनी चाहूँ, देखो यहाँ पे एक 70 नंबर का होता है और दो होते हैं 65 और 65, 130 और 70 नंबर का एक होता है, ठीक है। इनमें जो पहला पेपर होता है वो 65 का होता है, और शायद तीसरे वाला 65 का होता है, और एक बीच का 70 का होता है, मतलब मेरे को पूरा पक्का ये नहीं पता कौन से वाला 70 का होता है, बट जो दो पेपर होते हैं वो होते हैं 65 के, और एक पेपर 70 का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कम्प्लीटली 200 नंबर इसके हो गए, ठीक है, 200, 200, 400 और 200 मैथ के, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो 200, 200, 600 नंबर कंप्लीट आपके हो गए हैं। बट यहाँ पे 100 नंबर का आपका एक फाउंडेशन का सब्जेक्ट होता है, तो फाउंडेशन के सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देना चाहूँ तो देखो वैसे तो ये तीन तरीके के पेपर होते हैं जिसमें दो क्वालिफाई होते हैं और एक होता है ऐसा जो फाउंडेशन बोलते हैं उसको, जिसके 100 नंबर जुड़ते हैं। देखो इसमें इसका नाम है लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ठीक है। ये तीन
वो होते हैं इसमें, ठीक है, चॉइस होती है आपकी, चाहे आप संस्कृत में दे लो इसको, चाहे फिर हिंदी में दे लो, और चाहे इंग्लिश में दे लो, यानी कि ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर निबंध वगैरह ऐसा ही आते हैं। अगर संस्कृत लोगे तो पैराग्राफ वगैरह संस्कृत में आते हैं, और साथ ही मतलब बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, ठीक है। आप इसे संस्कृत में भी चॉइस भर सकते हो, इसकी हिंदी में भी भर सकते हो और इंग्लिश में भी भर सकते हो, आपकी जोन सी भी लैंग्वेज अच्छी है आप उसमें इसको भर सकते हो। साथ ही ये 100 नंबर का होता है, तो 200 200 400 और 200 की मैथ हो गई, पीसीएम यानी पीसीएम तीनों हो गए 600 के, 100 नंबर का ये, तो कम्प्लीटली आपके 700 नंबर हो गए, क्योंकि बीएससी में 700 नंबर में से ही आते हैं, ठीक है। ये ओनली मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया फाउंडेशन का। आप इसमें अगर मेरी मानो तो संस्कृत का पेपर देना, क्योंकि संस्कृत बहुत सहली है और बहुत अच्छा पेपर आता है, यानी कि अगर 100 में से आपके 85 के लगभग नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करनी चाहूँ तो दो और क्वालिफाई कोर्स होते हैं, क्योंकि जो आपको पता ही वो तो कंपलसरी होते ही और इन्हें देने भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर उनकी बात करूँ तो इनमें से पहला होता है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे पहला राष्ट्रपति कौन था वगैरह वगैरह, थोड़े से अनुच्छेद वगैरह यानी लॉ से भी आते, मतलब जस्ट एक इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों जो पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, पहला जनरल अवेयरनेस का सिर्फ ओनली क्वालिफाई होते हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, जो स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन होता है इसके भी नंबर नहीं जुड़ते, ये दो पेपर क्वालिफाई होते हैं। बाकी जो मैंने फाउंडेशन कोर्स बताया उसके 100 नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, बट इस बार सेकंड ईयर में आपका जो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो मैंने आपको पहले बताया फाउंडेशन, जो संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश का बताया, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, बाकी ये दो ऑब्जेक्टिव होंगे। और फर्स्ट ईयर में ये तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट इस बार ये वाले दो क्वालिफाई ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो फाउंडेशन का होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा, उसकी तैयारी भी करा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप हर चीज़ क्लियरली समझ गए होंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आपकी कुछ भी मतलब ऐसी क्यूरी हो, इस बार क्या होगा कि जो भी आपकी क्यूरी होगी उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाया करेगी, ठीक है। वैसे भी मैं बोर हो रहा हूँ बहुत, वैसे भी आप कुछ क्वेश्चन अगर आपको स्पेशली पूछना हो और मेरे को पसंद आया तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज मतलब इतना टॉपिक नहीं है, टॉपिक भी बहुत है, मन नहीं करता, लेकिन अगर आपकी चॉइस होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।